अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बीत करते हैं, क्या खैरियत से होंगे और मरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, ऐसे और मुस्कुराते रहें। और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सुपर जीनियस हॉर्न ब्लू जज पुलिस फील्ड फॉल्स रिपोर्ट इन कोर्ट हाई कोर्ट। तो ये सर ना हाई कोर्ट में जज हैं और वो पुलिस जो हैं, उसको जो वो फर्जी रिपोर्ट बनाते हैं और झूठी बनाकर ले जाते हैं और वो कैसे पकड़े जाते हैं। तो जज साहब बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं, तो देखते हैं कि वो कैसे उसको पकड़ लेते हैं, उसकी गलतियों को पुलिस वालों की। तो वीडियो देखते हैं और काफी कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि ये एक नई चीज है हमारे लिए। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड कर देंगे। कॉर्नर करते हैं, थ्री वीडियो स्टार्ट। आप प्रोबेशन ऑफिसर हैं, ठीक है? तो आप वर्दी में रहते हैं कि नहीं रहते? वर्दी में रहते हैं। वर्दी कब उतारते हैं? रात को सोते समय? सर आवश्यकता पड़ती है तो उतार। कब आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों से पूछताछ करते हैं। हाँ, बच्चों से पूछताछ करते हैं। बच्चों से पूछताछ करते हैं। कब करते हैं पूछताछ? किसी केस में जब आवश्यकता रहती है जब करते हैं। दो लोग हैं एक साथ? ये हुआ था कि रिपोर्ट प्रिपेयर आपने की, लेकिन आपको कोई अर्जेंट वर्क से जाना पड़ा तो सिग्नेचर आपके। इतना भयानक काम रहता आप लोगों के पास क्या कि सिग्नेचर करने के लिए टाइम नहीं रहता? रिपोर्ट आपने प्रिपेयर की और दस्तखत दूसरा आदमी करे, तो उसका क्या औचित्य है? क्या मतलब? या तो फर्जी रिपोर्ट है इसलिए आपने साइन नहीं किए। भाई साइन करना तो एक छोटा सा काम है, एक सेकंड लगता है, साइन आपने क्यों नहीं किए? अर्जेंट काम आ गया आपको तो साइन करने में दिक्कत आ रही थी क्या? तो रिपोर्ट जब फर्जी बनाते हैं तो साइन करने के पहले 5 बार सोचना पड़ता है। अगर रिपोर्ट करेक्ट है, करेक्ट है तो आपने साइन क्यों नहीं किए? फिर इनने साइन क्यों किए? आपके पास उस फील्ड का अनुभव कम था क्या? आवाज आ रही मेरी साइन की? या वो लिख नहीं पाते? आप लिख नहीं पाते तो इनकी मदद क्यों लेते हैं? ऐसा कैसे हो जाता है? हम भी ऐसे क्या करेंगे? जजमेंट लिखवा दिया और दस्तखत नहीं करेंगे, चले जाए अपने काम चलेगा क्या? तो आप दोनों खिलाफ एक्शन के लिए लिख दें। सॉरी सर, आगे से ध्यान रखें। नहीं, आगे के लिए नहीं, आज ही के लिए हमको चाहिए जवाब। आज वो बच्चा बन गया, उसके हमको प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट चाहिए थी। एक तो आप यूनिफॉर्म में आए हैं, क्यों आए हैं? इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट आपको मालूम नहीं कि जब आपने एज प्रोबेशन ऑफिसर काम किया तब भी आप वर्दी में थे कि साधारण यूनिफॉर्म में, साधारण ड्रेस में थे? उसके बाद आपने साइन किया, उसके नीचे नाम नहीं लिखा है। सिग्नेचर से हम नाम नहीं निकाल पाते हैं, नाम क्यों नहीं लिखते हैं सिग्नेचर के नीचे? आ जाइए इस वाले माइक में। कब से इस डिपार्टमेंट में पोस्टेड हैं? क्या डेजिग्नेशन है आपका? आराम से बोलिए, हम नुकसान नहीं करेंगे, पर हमको चाहिए कि रिपोर्ट सही आना चाहिए। सही बात है। आप क्या डेजिग्नेशन क्या है आपका? पद नाम क्या है? पद नाम? सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर सर। सब इंस्पेक्टर जी। और पद बताइए ना जिस पद पे आप काम कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर सर। सिर्फ सब इंस्पेक्टर है? हाँ सर। और आप क्या कर रहे हैं? मैं भी सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर है। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है आपको? चार्ज वगैरह कुछ? इस पर दस्तखत किए ना आपने और आपने रिपोर्ट बनाई? आप दोनों ने पूरा प्रोफार्मा पढ़ा होगा, समझा होगा कि दस्त कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था आपने? दिया था तो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते होंगे आप। राइट का चिन्ह जब लगाने का होता है ना ऑप्शन में से, तो टिक कहाँ करते हैं? उस क्वेश्चन के पहले कि क्वेश्चन के बाद में? या तो कॉलम रहता है उसके स्कोर के अंदर करते हैं। वेरी गुड। और अगर कॉलम नहीं दिया है तो? सर जो स्टार्टिंग रहती है उसके ठीक ऊपर करते हैं। ठीक ऊपर? पर ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि इस डिब्बे का इस डिब्बे में दस्तखत कर दिया, इस डिब्बे का इस डिब्बे में राइट कर दिया? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? सर बीए। बीए किया है।
तो मेहनत से पास हुए थे पक्का। ये देखिए आपने रिपोर्ट बनाई, इसमें तो हम समझ नहीं पा रहे आपने टिक किसमें किया। किसमें किया? टीवी देख, टीवी देखना, अंतरंग खेल, पुस्तकें पढ़ना। अच्छा, ये राइट है। इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट देखिए। जी सर। एक सर, टीवी देखते हुए और फिल्में देखते हुए उसको आपने कब देखा? सर उसके माता पिता ने बताया था मुझे। उसके माता पिता ने बताया, आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा। अंतरंग खेल क्या होता है? अंतरंग खेल सर घर के अंदर। अच्छा, वीडियो गेम खेलना। जी सर। और बहिरंग खेल क्या होता है? सर बाहर खेलना। इन दोनों में से कब आपने उसको देखा था? सर मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा। रिपोर्ट क्यों बनाई? तो माता पिता ने बता दिया। माता पिता ने सर। पुस्तकें पढ़ना, आज के डेट में तो कोई पुस्तक नहीं पढ़ता। पढ़ाई करता था सर। बहुत पढ़ता है? पढ़ाई करता था सर। स्टूडेंट पढ़ते हुए आपने देखा? नहीं देखा। थोड़ा मजा नहीं आ रहा आपके उत्तरों से। जी मजा नहीं आ रहा। बालक की शिक्षा का ब्यौरा 13 नंबर पे लिखा आपने। जी सर। कक्षा 10 से अधिक पढ़ाई की? हाँ, 10वीं पास। 10वीं पास की। मार्कशीट वगैरह देखी थी क्या? नहीं देखी। लास्ट जो स्कूल था वो प्राइवेट स्कूल था कि सरकारी स्कूल था? नहीं सॉरी सर, मैंने मार्कशीट देखी थी। देखी थी, इसीलिए प्राइवेट टेक किया था। प्राइवेट स्कूल था। इंग्लिश मीडियम था कि हिंदी मीडियम था? सर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम था। उसके मित्रों से मिले या नहीं मिले? सर उसके दोस्तों से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं सर। तो आपने तो सबको शिक्षित बताया। शिक्षित सर वो पढ़ता था इसलिए शिक्षित बताया। नहीं नहीं, उसके मित्रों के बारे में आपने लिखा है। अधिकांश मित्र मिले थे आप? नहीं मिले थे सर, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ लिख के आ जाना चाहिए, तैयारी करके आ जाना चाहिए। रिपोर्ट पे क्या लिखा मिले नहीं, वो भी उसके वाले सीनियर है, उनको समझाया नहीं कि गलत रिपोर्ट नहीं बनाना चाहिए। वकील एक शेर पटला ये हम आरोप नहीं लगा रहे किसी के ऊपर, पर ये अपेरेंटली दिख रहा है कि आपने कहीं एक जगह पे बैठ के एयर कंडीशन रूम में रिपोर्ट बना दी है। अगर हम फाइंडिंग दे देंगे तो सस्पेंड हो जाएंगे। समझा रहा ना? सॉरी सर। इनको तो नौकरी से निकाला जाना चाहिए। आपने तैयार की रिपोर्ट और इनने बिना देखे साइन कर दिए, इनसे ज्यादा गैर जिम्मेदार तो कोई है ही नहीं। इनने साइन किए थे तो इनको वेरीफाई करना चाहिए था। आपने वेरीफाई किया था? सिर्फ साइन कर दिया। तो ऐसी विवेचना है कितनी की जिसमें आपने 302 साइन कर दिए? ऐसी विवेचना मैंने स्वयं अपनी करी, दूसरे की साइन नहीं किया था। मैंने कभी नहीं की। ये पहला और अंतिम कृत्य था आपका? पहली गलती सर। पहली गलती है, पकड़ी गई। तो पहले में ब्लंडर मिस्टेक कर दी, ब्लंडर समझते हैं ना, भयानक मिस्टेक कर दिया। अब बताइए, एक बच्चे का भविष्य है, उसकी जमानत पे हमको विचार करना है। उसने 4 बार गोली चला के मर्डर किया है, तो हम आप दोनों के ऊपर भरोसा करके उसको छोड़ दें? उसको छोड़ देते आप दोनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख देते हैं। ये सही रहेगा, क्योंकि हम तो आपके प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पे ही चलते हैं ना। जी बिल्कुल। हमारे पास तो आप आए तो हमने आपको जांच लिया। आपके पास तो बच्चा बार बार आ रहा था, आपने जांच करने की कोशिश ही नहीं की। थोड़ा जिम्मेदारी समझिए। आपको आपका पदनाम नहीं मालूम इस एक्ट में? जब आप ये कार्रवाई करते हैं तो आपका पदनाम क्या होगा मालूम है? या आप भी तभी थानेदार बने रहते हैं या सब इंस्पेक्टर बने रहते हैं? आश्चर्य की बात है, आपके एसपी कौन है? मतलब पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट सर, ये पूरा एरिया एक से आपको मालूम है। सब तरफ से जो भी आते हैं विद्वान ही रहते हैं। आप थोड़े ज्यादा है, जितने भी पुलिस वाले आज तक मिले सब इसी तरह के मिलते हैं। इस पे एक्शन लें या आप करेक्ट रिपोर्ट बना के हमको परसों तक पे देंगे? जी सर, परसों सबमिट कर। ये हम अभी आज रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे हैं। जी सर। परसों अगर रिपोर्ट फर्जी आई जी तो हम सब रिकॉर्ड पे लेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी सर। क्या बात। और शर्म की बात है
आपको आपका पदनाम नहीं मालूम है और आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में काम कर रहे हैं। आपके एसपी साहब को भी समझना चाहिए कि ऐसे लोगों को पदस्थापना ना दें। इनको ये भी सेंस नहीं है कि किस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि एक ने रिपोर्ट तैयार की और दूसरा साइन कर दे। परसों एसपी साहब को बुलवा लेते हैं, मैं रिपोर्ट लेके आ जाऊंगा। तो एसपी साहब तुम लोग आप लोग की रिपोर्ट पे साइन करते होंगे बराबर बराबर आप लोग बना के दे देते होंगे, तो एसपी साहब साइन करते कि नहीं करते? आपके यहाँ तो परंपरा है, एक बनाता है दूसरे साइन कर देता है। जैसे जैसे सीनियर हो जाता, कौन सीनियर है आप दोनों में? आपने तो आप बनाएंगे तो एसपी साहब साइन करेंगे, करना चाहिए उनको। भाई आपकी नौकरी कितने साल की हुई? 30 साल हुए? 40 साल की है। 40 साल, तब तो आपको एसपी साहब को पूरी तरह से मानना चाहिए। एसपी साहब को आपको फुल्ली फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। आप इतने सहृदय सहृदय समझते हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। आपके साथी अगर चलेगा, शादी अभी थी क्या आपकी? जी सर। आपकी शादी थी? नहीं शादी। तो कहां, कौन से अचानक काम चले आ गया था इसमें चले गए थे? सर कोई झगड़ा हो गया था अर्जेंट तो चले गए। झगड़ा हो गया था, उसकी रिपोर्ट हुई थी? रिपोर्ट नहीं। तो इतना बड़ा झगड़ा तो नहीं हुआ कि रिपोर्ट ही नहीं हो पाई? आप ही जाते तब समझता है झगड़ा। बीट वाइज रहता है, बीट वाइज रहता है। तो रोज लांचे साने में कुछ रिपोर्ट डाली थी? नहीं डाली। फिर क्यों गए थे? रिपोर्ट आप थाना छोड़ते हो तो साने में रिपोर्ट डालना चाहिए कि हम थाना छोड़ के जा रहे हैं। एक काम और कर लीजिएगा, परसों जब आएंगे ना, ये जब प्रोबेशन ऑफिसर के रूप में आपने रिपोर्ट तैयार करने गए और आप जब साइन करने गए, दोनों के साने की नकल ले आइएगा। फंस गया। और ओरिजिनल साना भी ले आइएगा। ये फंस गया। हम ओरिजिनल साना आपको साइन करके वापस कर देंगे, कॉपी इसमें लगाएंगे कि आप कब गए थे एज प्रोबेशन ऑफिसर, कब आपने उससे क्वेरीज की, जांच की और फिर रिपोर्ट दिया। तो आपने बहुत अच्छे से धर्म निभाया है अपनी नौकरी का, तो बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के कामों से। परसों और अच्छे से करके लाइएगा, है ना? परसों अगर मिस्टेक रिपीट हुई तो हम एक्शन लेंगे, ठीक है? क्योंकि आप परंपरा का निर्वाह करेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा। हम लोग की तो ड्यूटी है कि कोई गलत करे तो सजा करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? इनसे थोड़ा हम जूनियर पर आपसे सीनियर, समझ में आ गया? नौकरी के ड्यूरेशन के हिसाब से इनसे हम जूनियर है और आपसे सीनियर है। हम चाहेंगे दोनों मिल के दिमाग लगाएंगे, कहीं फॉल्ट नहीं करेंगे। बहुत भयानक मिस्टेक किया आपने जी। इसका परिणाम भी बहुत भयानक हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं कि भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को फॉलो किया है आंख बंद करके। वो ये नहीं जानते कि भारत में ऐसे पुलिस वाले हैं जहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए। क्या बात है जी। लेकिन इनके भरोसे अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट चलाएंगे तो मालूम नहीं कहां जस्टिस होगा कहां इनजस्टिस होगा, हम नहीं कह सकते। आपकी रिपोर्ट के आधार पर हम अगर आज कुछ कंसीडर करते हैं तो हमारा ऑर्डर 100% इनकरेक्ट होता है। ऐसे समझ में जी। तो ये एक वार्निंग है आप दोनों के लिए। रिकॉर्ड पे नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपकी नौकरी नहीं है और आप रिटायर होने वाले हैं, पर ये होना नहीं चाहिए। परसों आपको रिपोर्ट करेक्ट से इनके साइन करा लीजिए, परसों आप फिर सवदस पे आ जाइए, तब रिकॉर्ड लेके आएंगे और फ्रेश रिपोर्ट बना कर आएंगे। चलन जी वीडियो खत्म हो गए, यकीन माने भाई साहब दिल खुश हो गया, जज साहब ने दिल खुश हो गया भाई। जहाँ पर ऐसे जज होंगे तो इंसाफ क्यों नहीं होगा भाई? बिल्कुल देख लो भाई मौसम। और जहाँ पर ऐसे पुलिस वाले होंगे भाई, हमें तो शिकवा रहता है अपने पुलिस वालों से, आज देख लिया। मैं पहले भी कई दफा भाई, भाई ऐसे ही है तो शिकवा नहीं तारक भाई। ये एक बात देखो, वकील को बोलने की इजाजत ही नहीं, हमारे यहाँ वकील ही बोलते हैं झूठियां। तो जज को तो बोलने नहीं देते, जज को तो बोलने नहीं देते, इतने तगड़े वकील के ही होते हैं भाई। जज ने खुद बोला है भाई साहब, जिसने केस तैयार किया उसको सामने लेकर उसके सवाल चाहिए ना भाई साहब। अब देखो कत्ल का केस है और आंखें बंद करके उन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई है, और अपना जो 30-40 साल का तजुर्बा बस वही शो किया है। बोलते ना एक मुंशी होता है थाने में जो अक्सर जो FIR जो लिखता है, वो केस बना के लिखता है, ये फलां बंदा इतने बजे इसने गोली चलाई, ये बंदा पास था, ऐसे हुआ, पूरा वाक्या बना के लिखता है, पूरी स्टोरी लिखता है वो। तो वो आम बंदा नहीं लिख सकता, वो जी एक मुंशी होता है जिसका एक्सपीरियंस होता है, वो लिखता है पूरी रिपोर्ट बना के तरीका कार से। अगर कोई उसके ऊपर बैठा हो
तो वो अपनी मर्जी की वो रिपोर्ट लिखवा सकता है। तो ये चीजें होती है, ये थाने वाले भाई देख ले। राणा सनाउल्ला हमारे ना जो अभी है, क्या अभी क्या वो दाखला जो भी है, वो उनका जी पकड़ा गया गाड़ी में ड्रग्स पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया और देखने पुलिस वालों ने वो ड्रग जो है उसको जी साबुन बना दिया और जो बाकी जो चीजें थी वो पानी बन गया। तो जहां पर ये पुलिस वाले जब चाहे भाई साहब ये क्राइम को तो कंट्रोल कर सकते हैं, ये जिस तरह क्राइम तारक साहब क्राइम कराते ये लोग, सही बात है भाई, पैसे लेते हैं, करप्शन लेते हैं, क्राइम को बढ़ाते ये पुलिस वाले और ये इदारे भाई। जब जिस तरह जज साहब, कसम से मैं कहता हूँ ऐसे जज पाकिस्तान में तो क्या ही बात है भाई साहब, इंसाफ ऐसे बंदे करते हैं तो भाई साहब जस्टिस वगैरह भी इंसाफ नहीं करते। कई बड़े बड़े उठा जाते हैं, कुछ करते हैं साहब, हर बंदा एक जैसा नहीं होता भाई साहब, बहुत अच्छे इंसाफ मिल भी जाए तो भाई साहब उस केस को तकरीबन 20-25-30 साल चलते, ये बैर के कंट्रियों में भी ऐसा ही है असल में, क्यों होना चाहिए, ये भी तो होता ही ऐसे है सिर्फ पैसे ज्यादा बटोरने के लिए, नहीं ऐसी बात नहीं, भाई साहब वकील नहीं आया, आज एक पार्टी के लोग नहीं आए, सुनता नहीं है, कर दो पूरी जांच पड़ताल करते हैं भाई हर मामले की। तो भाई साहब इस पोस्ट पर वो बैठे होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी होती है तो निपटाते तो है जितना उनसे हो, कौन बनता भाई साहब इतना वेलो जो आए दिन चक्कर काटता रहे, पैसे लेकर उनकी जेबें भरता रहे, किसके पास वो जजों की जेब में थोड़ी भरते हैं, वो वकीलों की भरते हैं, भाई साहब जो भी लेते हैं सारे खाने वाले वकील से हो जाता है, उनके मुंशी चपरासी जो भी है सारे भाई साहब खाते हैं, ये है कि हर बार भाई साहब पैसे देने तो आप 500-600 सुनाई करवानी है। मेरा थोड़ा सा ना नाम का मसला था तो कोर्ट में चला गया, मेरा आईडी कार्ड भी और ना मतलब जो स्कूल था वहां पर जो है ना मेरा एज का थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो जी इधर से सही नहीं हो रहा था, मैं अदालत में चला गया, उधर जी अच्छा जी उन्होंने साल मुझे जलील किया अदालत ने, चक्कर इधर इस तरीके को आ जाओ उधर वो वोट वाले आ जाते थे, वो जी केस चलता साल पूरा, वो मैंने कितने पैसे वो कभी वकील को पैसे दे, कभी ये डॉक्यूमेंट है ये तैयार करके ले आ, कभी वो जब जिस दफा भी जाना मुश्किल मुंशी जो होता है वो जी उसको तो 400 देना 500 देना के भाई करवा दे, तो भाई साहब आए दिन वकीलों की हड़ताल ही नहीं खत्म होती तो ये केस वो लंबी दो दो महीने की तारीख डाल देते हैं, एक महीने की तारीख, दो महीने की तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वो जलील करते हैं, असल में ये अदालत वाले जलील ही करते हैं। हमारे ना एक कहावत है, मामला दुआ मांगते लोग कि या अल्लाह हाकम और हकीम से बचाना, ये जो हकम होते हैं ये यानी कि वो कोर्ट कचहरी होगी और अस्पताल हो गए, ये दोनों चीजें बड़ी खतरनाक है, जिस बंदे के इस तरफ चक्कर लगना शुरू हो गए वो बंदा बख्श कारोबार बन चुका है, इसी वजह से तो भाई साहब जो हम जलालत उठा रहे हैं, तो भाई अदालत में केस बड़े इंडिया में भी बड़े बड़े लंबे केस थे, बाहर के अमेरिका में भी ऐसे ही चलते हैं, माना है कितने अर्सा हो गया, करप्शन बन जाती है ना, करप्शन होना शुरू हो जाती है, ये तो देखना, तो लंबे केस चलते हैं भाई साहब हर जगह पर ही ऐसा निजाम है, तो वैसे चाहिए कि मैं ना एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव का एक लड़का था वो जी 4 साल जेल में रहा और 4 साल बाद जी अदालत ने उसको ना बाइज़त बरी कर दिया, वो जिसका जिस गुनाह में पकड़ा गया था ना 4-4.5 साल वो जेल में रहा और बाद में जी अदालत ने बाइज़त बरी कर दिया उसको कि इसका कोई गुनाह नहीं था, तो बंदा पूछे कि 4 साल बेगुनाह को 4 साल बंद करना और जो उसकी मुलाकात का कानून है, जब बंदा किसी जेल में मुलाकात करने जाता है 5-10 हजार तो भाई हफ्ते बाद उड़ जाता है, उसको खाना देना उसके कपड़े उसके सारा ये ऐसा ही है कि बंदे को वेला रखना वेला रखना और अच्छा खाना देना, अगर अच्छे जूते कपड़ा ना हो तो वहां पर भी जेल में भी कोई जिंदगी नहीं रहती भाई,
अच्छा पहले जो तारक भाई पंचायतें बनी होती थी गांव के अंदर, वो सिस्टम मेरे ख्याल में कुछ ठीक है, जो माड़े मोटे केस होते थे उनको धड़ेबाजी होती थी ना, अगर पंचायत फैसला सही करे ना हर की बात अच्छे जो फैसला मैं कहता हूँ होते ही पंचायत एक तो बंदा पांच पंचायत का क्या पता है, पंचायत होता है पांच लोग होते हैं जी। पांच लोग मिलके फैसला करते हैं, मेजोरिटी जिस तरफ झुक जाए वो जजेस का हिसाब है वो वाला। तो भाई साहब पंचायत ये थी, अभी हमारे यहाँ क्या होता है फिलहाल अगर यहाँ का छोटा मोटा मसला होता है डेरों में भाई हमारे जो बड़े बुजुर्ग है ना वो मैनेज कर लेते हैं इधर, वो फैसला भी दोनों फैमिली को रजामंदी पर ले जाते हैं, फैसला कर दोनों के हाथ में कई फैसले कर देते हैं। गांव में ये बड़ी मौज है, अगर कोर्ट कचहरी में फैसला जाए तो भाई लंबा वो तरीका ही पड़ जाता है। तो भाई साहब बात आ रही है इंसाफ की, तो इंसाफ भाई साहब ये इस तरह के जज हों तो भाई साहब पुलिस वालों को वो बड़ी खींच के रखें, खींच के रखें भाई सीधी सही रिपोर्ट बना के लाओ जी। अगर जिस तरह ये जज साहब इनके ऊपर सख्ती कर रहे हैं ना, अगर ये कि नरम दिल भी बहुत थे, हालांकि वो सजा कर सकते थे, पहले वार्निंग दी इतनी बड़ी गलती की उन्हें सजा कर सकते थे। तो मैं तो कहता हूँ ये जिस तरह ये वीडियो बनी है ना अदालत की, यकीन माने अदालत की अगर इसी तरह ऑनलाइन चले ना ओहो क्या बात है भाई, सीखने को कितना मिलेगा, झूठ तो ऐसे पकड़ा जाए बिल्कुल, जज तो फैसला करे ना करे उससे पहले तमाम फैसला कर दे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो कितना अर्था ये केस चलते हैं ये चले ही ना, आवाम की बंदा वोटिंग करा ले ऑनलाइन जो वोटिंग करती है ना तो वो भी हो सकता है सिस्टम। लेकिन ये भी है जहाँ पर इमरान खान जैसे लीडर हो पकड़े वो तो युवतियों ने सारा इमरान खान की तरह वोट डाल देने तो फिर वहां पर धड़ेबाजी हो जाएगी। तो ठीक है भाई ये पुलिस जो होती है ना ये जिसको चाहे वो गिल्टी कर दे, जिसको चाहे जो है ना वो भाई साहब बेगुनाह कर दे, इनके हाथ में होता है सारा कुछ, ये सबूत बदला लेते हैं सारा कुछ, इनके हाथ भर दिए जाते सारा कुछ इनके हाथ में होता है, जिसको झुकाव कर दे भाई साहब वो पंडित जिनकी रिपोर्ट के ऊपर ही सारा फैसला होता है भाई, जो इन्होंने इंक्वायरी करनी है सुनी सुनाई बातों पर तो जज साहब ने मतलब फैसला नहीं सुना, जो लिखी पड़ी होगी ना रिटन सबूत और वो जिस मर्जी और सबूत पता है क्या ये तो खुद से भी डाल देते हैं। हमारे गांव का एक बंदा था उसकी भाई साहब दो बोतलें ना शराब की पकड़ी गई और उसके ऊपर पता है कितना पर्चा थी 50 बोतल शराब की, और भाई अदालत में जब गए ना उन्होंने कहा भाई साहब ये दो बोतलें शराब की पकड़ी गई और इससे इससे सिर्फ दो बोतलें पकड़ी शराब की और ऊपर जो हमने वो FIR देखी वो जी 50 बोतल शराब की। तो वो जब देखे अदालत में वो कैन भरे हुए वो शराब के लेकर चले गए उधर भाई, ये सारी शराब जी इससे पकड़ी है। तो ये मतलब ये है कि भाई साहब पुलिस वाले जिसको चाहे गिल्टी करें, जिसको चाहे बेगुनाह कर दें, इनके हाथ में होता है सारा। तो ऐसा भी करते हैं कई जो है ये ड्रग्स पकड़ते हैं तो कई लोगों से ये ज्यादा माल पकड़ते हैं और उधर थोड़ा लिखवा दिया बाकी जो है खुद खाते हैं खा जाते हैं। तो ये सारा जो धंधा यही करते हैं भाई साहब ड्रग्स। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े होटलों के अंदर सप्लाई जो होती है ना इसकी शराब पुलिस वाले ही करते हैं, तो उनका पूछने वाला तो है नहीं, उन्होंने वर्दी पहनी होती है, पूछने वाला जब वर्दी काम करते हैं। जो जिस तरह उन्होंने पकड़ा साहब ने पकड़ा जिस तरह देख ले साफ जाहिर है उनके तो आगे झूठ बोलना उसी तरह तरह पकड़े जाते हैं। अब तो जी कर रहे थे, मैं कर रहे थे, उन्होंने बोला अच्छा ये वर्दी किस टाइम उतारते हुए, हाँ जब वर्दी उतारता हूँ जब जरूरत पड़ती है तो वर्दी उतारता हूँ। अच्छा रिपोर्ट की तरफ भाई वो अच्छा वो जिस दिन का बता रहा था कि आप गए क्यों साइन क्यों नहीं किए, कहता एक जी अचानक झगड़ा हो गया था एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलेगा, उस झगड़े का आपने भी लिखा और वो झूठ फिर जो है ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसको छुपा नहीं सकेगा। बंद कमरे में एसी के अंदर बैठकर सारा बायोडाटा लिख दिया है, बंद कमरे में ना लिखा हो उधर से पैसे लेकर जिस तरह बोल रहा था ये मेरी पहली गलती जब पकड़ी गई वो बस शो कर दी ये मेरी पहली, हो सके इससे उसकी 40 साल की ये 40 साल का ही तजुर्बा है, उसने ना जिंदगी जीरण कर पुलिस वाले एक दूसरे को भाई साहब मिल मिला के ये सारा खाते है, बड़े साहब को ज्यादा हिस्सा था छोटे का थोड़ा हिस्सा था और वो बस सब इंस्पेक्टर बोल रहे थे ये नहीं पता था कि भाई साहब मैं इंचार्ज हूँ ये मुझे केस है इसका इंचार्ज मैं हूँ या इस तरह बोल सकते थे ना, वो बहुत ज्यादा सब कुछ सारा सब इंस्पेक्टर ही हूँ।
तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। कसम से जज साहब ने दिल जीत लिया, बिल्कुल लव यू। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।